का तो पूरा एक मैट्रिक्स बन चुका है जी। और अब पीयूष गोयल आ रहे हैं और पीयूष गोयल को लेकर नीरजा जी ये लगातार बात हो रही थी कि क्या इन दोनों के बीच में यानी पीयूष गोयल का जो प्लस पॉइंट है और फिर निर्मला सीतारमण तो किसको एडवांटेज मिलेगा। पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूँ जब अरुण जेटली नहीं आए कैबिनेट में और अरुण जेटली ने फैसिलिटेट किया था निर्मला सीतारमण का बनना तो उस समय भी इनका नाम चर्चा में था, उस समय नहीं हो पाया। अब यह देखने लायक चीज होगी क्या उनको फाइनेंस मिलता है और फिर निर्मला सीतारमण को क्या मिलेगा अगर ऐसा होता है तो। पीयूष गोयल की लेकिन यूएसपी क्या है, क्यों उनको शामिल करना बहुत अहमियत रखता है बीजेपी के लिए? एग्जीक्यूटर हैं जो प्रधानमंत्री और अमित शाह चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं फेथफुली। और पीयूष गोयल के मंत्रालय ने कई अच्छी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। फॉरेस्ट रिजर्व के मामले में उनका बहुत अच्छा रिजर्व है, एमिकेबल है, बहुत से संबंध है, मुंबई से आते हैं उस तरह से, देखिए कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री नहीं। और एक जो बार था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का उसमें भी आ गया अब तो exactly. हाँ तो वो एक जो प्योर और साइलेंट वर्कर है ये नहीं इनके सरकार के पिता पूरे हुए 2014 वाली सरकार के तो एक बहुत बड़े नेता है। बीजेपी ने मुझे कहा कि पीयूष गोयल उन मिनिस्टरों में से जिनको मालूम है कि उनकी मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है एग्जैक्टली exactly. और सेकंड जनरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनके पिता बीजेपी के ट्रेजरर रहे हैं काफी समय तक जब बीजेपी कुछ नहीं थे उस समय से बीजेपी को संभाले हुए थे, साइलेंट वर्कर है। उसी तरह से पीयूष गोयल की भी वो यूएसपी है और हर खेमे में चाहे वो प्रमोद महाजन की भूमिका तो नहीं निभा सकते लेकिन हर खेमे में मुंबई में महाराष्ट्र की राजनीति में वो दखल रखते हैं, चाहे नितिन गडकरी से खेमे से हो चाहे फडणवीस खेमे। और पीयूष गोयल उन नेताओं में भी आते हैं जो जो कारोबारी जगत थे और सरकार के बीच ब्रिज का काम करते हैं और इसलिए भी पीयूष गोयल की बहुत यहां पर महत्ता है इस कैबिनेट में। देखिए पीयूष गोयल, रामकृपाल जी आपको भी लगता है कि जब पीयूष गोयल की बात कर रहे हैं कि देखिए कि साइलेंट वर्कर हैं, डिलिजेंट वर्कर हैं, एग्जीक्यूटर हैं, बीजेपी के लिए डिसिप्लिन्ड वर्कर हैं।